हाँ स्टार्ट हो गया।
Dance. They can solve
basic fundamentals. Air, the states will know fundamental terms and whatever problems relating to the mathematics, the states can solve. So, the age Adam tried to focus on the main problem and the seed of the other problems that actually needed to be completed. It might keep returning we had been late. As the man grabbed in his eyes and came to be for the name of the trip. He said to himself as he's dragging on his telling himself to look at the party harder and try harder. Any question related to mathematics is not achieved, is not hard. If the states will not understand basic terms, fundamental terms, they feel burdened and they do not progress. They do not progress in mathematics. They feel burdened and they think that it is hard. The teachers should clarify any problems
castle. क्लास सिक्स में हम लोग को जो मैथ में पढ़ना होता है वो पॉलिनोमियल पढ़ना होता है, रियल
ठीक है, पर यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा दैट की टीचिंग स्ट्रेटेजी इन मैथमेटिक्स, यानी कि क्या तरीका होना चाहिए एक शिक्षक का गणित पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आई एम द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, को मेरे हिसाब से मैथ पढ़ाने का जो तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जब कोई टीचर क्लासेज में जाए तो मैथ सब्जेक्ट बच्चे को बोर ना लगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि अगर बच्चे को उस फील्ड में उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जग गया तो करीब करीब उस सारे सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट खुद ब खुद जग जाता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मैथ पूरा तरह से प्रैक्टिस का चीज है, ना ही मैथ आपका है ना ही मेरा है। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग मैथ में है, अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो हम लोग अपने मैथ्स को भूल जाते हैं। मैथ इज द सब्जेक्ट फुल ऑफ प्रैक्टिस। आगे अगर हम बात करते हैं तो जो मैं पढ़ाता हूँ अपने क्लासेज में जाकर मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले मैं क्लास में इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद जो भी पहले क्या होता है टीचर्स के पढ़ाने का भी यही होना चाहिए कि जिस भी चैप्टर का आप शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ये भी होना चाहिए कि आपको चैप्टर का कॉन्टेंट यानी उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज है बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी होता है फर्स्ट थिंग, ताकि बच्चों को ये जानकारी हो जाए कि उस चैप्टर के अंतर्गत उस पार्ट के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। उसके बाद हम लोग का ये होना चाहिए तरीका कि एक एक कंटेंट को हम लोग डिस्क्राइब करें, डील करें बच्चों के सामने। ऐसा नहीं कि सपोज किया जाए कि अगर हम एक चैप्टर का नाम लें, जैसे कि अगर हमारा एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स के पढ़ाने का भी ये होता होगा मे बी कि जाते हुए क्लास में फॉर्मूलाज लिखवा दिए हैं, चैप्टर खत्म। नो, दिस इज नॉट द वे ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट मैथ। नॉर्मली जब लोग क्लासेज में जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस सब्जेक्ट के बारे में जितना हम लोग को ज्ञान है, जितना हम लोग को जानकारी है, नॉट फॉर्मूला तो अदर चीज है, उसके अलावा हम लोग जो अदर जानकारी लिए हुए उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, सबसे पहले बच्चों के साथ उस सारे टॉपिक को डील करना, उसके बाद जो फॉर्मूला ये सब है उसके बाद ये सब बताना। और अगर कुछ टीचर्स जो है ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिक आखिर आता कहाँ से, मैथ्स में ट्रिक आता कहाँ से, तो मैथ्स में ट्रिक कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से ही निकल के आता है। जैसे कि अगर हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल लें तो अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, तो उसका हमको तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एक ट्रिक टीचर बताता है जैसे 2 × x y / x + y, ये आखिर फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से ही निकल गया है। तो मेरा मानना है कि ट्रिक का इस्तेमाल आप करें मैथमेटिक्स में, या टीचर्स भी है बच्चों को ट्रिक बताएं, पर उससे पहले टीचर्स का ये जिम्मेवारी बनता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो ट्रिक कहाँ से आया, यानी कि उस ट्रिक का, उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, या उसको हम समझे कैसे। डायरेक्ट बच्चे को फॉर्मूला लिखवा कर अगर दे दिया जाए तो क्या दिस इज द वे और दिस इज द स्ट्रेटेजी टू टीच द मैथ? नो, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज नॉट द बेस्ट वे, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे फॉर टीचिंग मैथ। ओवरऑल हम लोग किसी भी बच्चे को अगर ट्रिक बता रहे हैं तो ये सबसे मोर इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे पहले वो ट्रिक आया कहाँ से, यानी कि हम लोग उसको एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद भले आप ट्रिक बताइए दैट इज अदर थिंग। अगर उसके बाद हम बात करें, ठीक है ना, तो अगर हम लोग अपने 9th और 10th के मैथमेटिक्स में अगर आते हैं, ठीक है ना, तो 9th और 10th का मैथमेटिक्स फुल ऑफ ज्योमेट्री है। 9th का तो अगर मैथमेटिक्स से बात करें तो ज्योमेट्री से भरा हुआ है। अब यहाँ पर ये बात होता है कि ज्योमेट्री बच्चों को क्या लगता है कि हार्डर सेक्शन है मैथ का, ठीक है ना, तो हम टीचर्स के पास ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए हम लोग को, वो तरीका आप कहीं से भी डेवलप कर सकते हैं, खुद से डेवलप कर सकते हैं, आप यूट्यूब का मदद ले सकते हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा आपके लिए। सो टीचर्स को खुद को अपग्रेड करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए टाइम टाइम के साथ साथ। अगर हम अपने पुराने पद्धति से ही बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे, ठीक है ना, तो बहुत सारे आज के बच्चे जो आपसे पढ़ना नहीं पसंद करेंगे। सो यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता है हम लोग को उसी तरीके से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे मैं एक स्टोरी बताता हूँ, जब मैं 2016 में एनडीए तैयारी कर रहा था तो मैं जिनसे मैथमेटिक्स पढ़ा हूँ तो उनका नाम था आरबी शर्मा सर। एक्चुअली वो करीब करीब उनका एज अगर हम बताया तो 50+ ही एज होगा, पर जो मैथ पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था कि एकदम क्लास में बच्चे झूम जाते थे मैथ पढ़ के। वजह था, उनका कहना ये था कि अगर हम जिस मेथड से पढ़ाएं, अगर उसी मेथड से हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो मे बी आज के बच्चे हमसे न पढ़े, या हो सके वो पढ़े भी तो मेरे पढ़ाई उनको समझना है, या हो सके वो सेटिस्फाइड ना हो मेरे पढ़ाने से। इसलिए हम हमेशा YouTube से, सोशल मीडिया से अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो आज के समय में अगर हमारे पास मोबाइल
हमारे पास लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, जिसमें बहुत सारे ऐप्स होता है, वो भी महीना भर में लिखाता है कि अपडेट योर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जब हर महीने में एक मशीन खुद को अपडेट कर रहा है, तो सिंपल सा बात है, अगर हम लोग अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो ओवरऑल क्या होता है, हम लोग अपने के साथ यानी कि ओवरऑल हम लोग अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आज के जमाने के बच्चे के साथ हम लोग नहीं पढ़ा पाएंगे, ओवरऑल कहीं ना कहीं जनरेशन गैप हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि बच्चे आपसे पढ़ना नहीं चाहेंगे। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ टीचर टू अपग्रेड योरसेल्फ एंड टीच द स्टूडेंट विद देयर बेस्ट मेथड। सो ओवरऑल मैं लास्ट यही कहना चाहूंगा कि अभी के समय में हम लोग पूरी तरह से अपग्रेड होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा है, नॉट ओनली द मैथमेटिक्स, हर एक सब्जेक्ट में हम लोग को अपग्रेड होना जरूरी है, और ताकि हम लोग बच्चों को बेस्ट वे दे सके, अच्छा से अच्छा तरीका दे सके, तरीका से पढ़ा सके, ताकि वो भी फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाए, संतुष्ट हो जाए। और जब बच्चे संतुष्ट होते हैं तो शिक्षक जो है वो खुद ब खुद संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि एक शिक्षक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि जब वो क्लास में जाए तो बच्चे इस तरीके से रिएक्ट करें जैसा कि उनको लगे कि मतलब टीचर एकदम खुश हो जाए। टीचिंग स्ट्रेटजी एंड मैथमेटिक्स हैविंग चैलेंज, we know that in Pakistan there were great mathematicians, example Albert Brannigan, they were very scholar in mathematics. It's very different from that time and currently. The strategy in mathematics are becoming changed. Perhaps I know that the sums relating to mathematics for about 10 decades, it has become different. Perhaps I know that for 10 decades before, the questions relating to mathematics have been changed. Competitive
एरा ड्यू टू कॉम्पिटिटिव एरा द स्टेट्स सो एनी क्वेश्चन इन ए फ्यू सेकेंड्स इन ए फ्यू मिनट्स क्विकली पॉइंट्स है जिन्हें मैं आपके सामने इंगित करना चाहूंगा।
वोकैबुलरी। जैसा कि आदरणीय स्वतंत्र सर ने बताया कि जब बच्चों के सामने एन प्लस बी हो, इनको एन प्लस बी किया जाता है, तो ये बताता है बच्चा जब एन प्लस बी का हो उसका क्या हो जाए, तो वो तुरंत बताता है उसका प्लस बी उसका प्लस ए उसका प्लस बी उसका प्लस टू ए बी। तो यह होता है क्या कि रटंत विद्या, रटंत विद्या के अंदर बच्चे रट जाते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर में वह थ्योरेटिकल भाव नहीं आता जो कि हमको देना होता, क्योंकि आज का पढ़ाई जो है वह बहुत ही तेज बहुत ही फास्ट नॉलेज का पढ़ाई है और इसमें बच्चों को समग्र विकास होना चाहिए। इसलिए यह बहुत जरूरी होता है कि आप जब भी किसी टॉपिक विषय को लेकर आप कक्षा में जाते हैं तो उसे एक अपनी कॉन्सेप्चुअल या कॉन्सेप्ट के आधार पर एक ऐसा रूपरेखा प्रस्तुत करें जिससे कि बच्चे का जिज्ञासा आपके उस चैप्टर पर चैप्टर की तरफ बढ़े। जैसे शराब से बात है कि हमालय के हमें एक त्रिभुज को वर्णन करने जाए, तो त्रिभुज का बहुत सारा आपके क्लास में मटेरियल मिलता है, उस मटेरियल को लेकर आप उसे बताए कि देखो बेटा यह है इसकी लंबाई है ए 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तीनों हो गया, यदि बराबर हो गया तो तीनों बराबर हो गया तो सब हो गया, और ऐसा क्या हो एक अलग अलग हो गया बड़ा हो गया तो यह समबाहु हो गया। इस तरह यदि आप पढ़ते हैं तो बच्चों के अंदर में समबाहु का एक भाव है जिसे कहते हैं इक्विटेबल ट्रायंगल, अब उसी में वो भाग हो जाए तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह करने से बच्चों के अंदर में बहुत ही बड़ा भाव जाता है मैथमेटिक्स के उस चैप्टर विषय पर। अब होता है कि कोऑपरेशन लर्निंग स्ट्रेटजी, यानी कहने का मतलब है कि बच्चा हर तरह का होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके द्वारा बताए गए भाव को सही ढंग से नहीं ले पाता है, तो जब तक कि आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, जब तक कि आप सहयोग नहीं करेंगे, तब तक वह उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेगा। तो यह बहुत बड़ा दायित्व था शिक्षक का कि उन सभी बच्चों को आप इंगित करें और जहां पर जो दिक्कत होती है उनको पूरा करें। अब पजल पीसेज मैथ्स इंस्ट्रक्शंस, अब क्या होता है जो कि बच्चों के अंदर में पजल कर रहा है, बहुत सारे पिक्चर जो आता है पजल का मतलब कि आप बच्चों को मैथमेटिक्स में जिज्ञासा लाने के लिए कुछ ऐसे वोकैबुलरी का प्रयोग करें जिससे कि बच्चे जो है वह उसकी जो फॉर्मूला है उसे याद कर लेगा और स्वाभाविक अपने जीवन में लाने का प्रयास करेगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि अनादि काल से मैथमेटिक्स के मामले में हमारा देश बहुत ही धन्य दान रहा, जिसे सर ने बताया कि बड़ा मिहिर एक ऐसे गणितज्ञ थे जो कि ग्रहों की गणना के आधार पर यह बता देते थे कि कल क्या होने वाला है और किस व्यक्ति का जीवन का क्या आयु है और कब क्या होगा, यहां तक यह भी एक मैथमेटिक्स का ही भाग है। तो आप यदि मैथमेटिक्स के सही भाव को पढ़ेंगे, सभी चीजों को पढ़ेंगे, तो स्वाभाविक है कि विद्यार्थी के जीवन का वह उत्थान पल शुरू हो जाएगा जिसे हम शिक्षक देने का प्रयास करते हैं। अब यह बहुत जरूरी होता है कि अ सिंपल स्ट्रेटजी टीचर्स कैन यूज टू इंप्रूव मैथ स्किल इज रिपीटेशन। रिपीट का मतलब हुआ कि किसी भी चैप्टर को आप रिपीट करते होता क्या है कि आपने चैप्टर पढ़ाना शुरू किया, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो है वह एक ही बार में समझ गए और दूसरा बच्चा जो नहीं समझा, तो यदि आप किसी चैप्टर को रिपीट कर देते हैं उस चैप्टर को दोहरा देते हैं तो जो भी बच्चे नहीं जानते वह भी बच्चा जो है उस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। और इसमें बहुत बड़ी बात होती है कि शिक्षक को पहले बहुत जरूरी होता है कि आप लेसन प्लान तैयार करें कि हमें किस चैप्टर को पढ़ाना है, कौन सा विषय को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और उसके लिए कौन सा समग्र और कौन सा चीज की जरूरत होती है। यदि वह चीज मिल जाता है और उससे प्रैक्टिकली उस बच्चे को समझाते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप जो कुछ देना चाहते हैं वह ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों में दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बहुत सारे मैथमेटिक्स का हमारा जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप उसको प्रैक्टिकली माध्यम से यदि आप माने डिस्क्राइब करते हैं बताते हैं तो निश्चित तौर पर क्या होगा कि बच्चे जो है उसको अपने अंदर में अंतर्निहित करेंगे और निश्चित तौर पर क्या होगा
उसका समग्र विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुनः जो रिसोर्स पर्सन है आज के आदरणीय बालकेश्वर सर, तो उनको आमंत्रित करूंगा। आदरणीय बालकेश्वर सर प्लीज करो। थैंक यू अरुण कुमार सर, ही हैज एक्सप्रेस वेरी सिंसियर व्यूज, ही हैज प्लान्ड द स्ट्रेटजी इन मैथमेटिक्स नाइसली। There are many astrology and mathematics the teacher should clearly explain whatever the problem to the mathematics. Fail the teachers are going to teach any topic. They should explain the topic. They should not show the sum study. Yes. Now I want to tell about this topic that teachers should make any job easy, that as they can grasp easy. Fail the states do not know the fundamental terms, the mathematics becomes burden for them. So it is duty of the teachers to make easy any job. Fill the states in beginning know the formulas, concepts, etc. The mathematics will be easy for them. It is duty of the students. It is duty of the teachers. The teachers should know every the condition of every student, situation of every student. Then students may prosper in mathematics. Mathematics allows most of students one now
आई लाइक कॉल मिस्टर कपिल सर ही विल कम एंड ही एक्सप्रेस ही नॉन स्टॉप First of all, I would like to thank my professor, sir, who has raised something about teaching a strategy in mathematics. Teaching a strategy in mathematics. So basically, mathematics is a science of numbers and relation between the numbers. Connection between the numbers to solve a problem. It means math जो subject है विषय है ये deal करता है ज़्यादातर number के साथ और उसके संबंधों के साथ और finally इसमें हम सब जो भी problem है उसको solve करते हैं और एक final result इसमें उपस्थित है तो मैथ पढ़ाने के लिए टीचिंग के लिए कुछ स्ट्रेटजी होती है कुछ नियम होते हैं कुछ रूल्स होते हैं इसी के बारे में हम सब जानेंगे जिसको कि हम सब मैथमेटिक्स पेडागोगी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट में इसको रखते हैं पेडागोगी मीन्स द आर्ट ऑफ साइंस टीचिंग Pedagogy means the art of science and the art of science of teaching. पढ़ाने के कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं? इन सभी का अध्ययन हम pedagogy में करते हैं क्योंकि सब subject के लिए अलग-अलग है. Maths का, science का, social science का. तो कुछ नियम, कुछ rules, कुछ pedagogy rules mathematics में होते हैं, जिसके सहारे हम इस maths subject को बच्चों के सामने बच्चों को हम सिखाते हैं तो सबसे पहले मैथ का मेथड है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब बच्चों को जब मैथ पढ़ाते हैं तो कंक्रीट यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर सबसे पहले उनको हम लाइफ एक्सपीरियंस यानी कि जो जीवन में हम सब जो आसपास पास वस्तुएं जो देख रहे हैं जो हमारे सामने आँख के सामने जो दिखाई देती है यानी कि मूर्त रूप में उसको उसके सहारे बच्चों को हम सब सिखाते हैं अब जैसे कि मान लें कि क्लास वन का अगर बच्चा है कोई अगर मैथ में अगर एडिशन सीख रहा है तो क्लास में ही बेंच रखे हुए हैं टेबल है फैन है तो बच्चों को हम सब बोल सकते हैं अगर बच्चे नंबर समझ गए हैं और नंबर का रिलेशन समझ गया है एडिशन समझ गए हैं तो उसको हम सब आसानी से समझा सकते हैं कि 1+1 = 2 होता है और क्लास में अगर बेंच रखे हुए हैं तो बच्चों को हम सब बता सकते हैं कि बच्चे इस क्लास में कितने बेंच हैं आप गिन कर बताएं और यदि अगर एक क्लास में क्लास वन में 10 बेंच है और क्लास टू में 10 बेंच है तो सभी बेंच को जोड़ कर बताएं यानी कि ये कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट हो गया तो धीरे 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 बच्चों को कंक्रीट से जो मूर्त चीज पर बच्चे जो देख कर जो मैथ सीख रहे हैं वो धीरे धीरे उसको अब्स्ट्रैक्ट कर दें यानी कि अमूर्त जो चीज हम नहीं देख पा रहे हैं अब जैसे कि कहा जाए कि 100 स्टार + 100 स्टार 100 तारे और 100 तारे कितने हुए ना तो इसको बच्चे आसानी से समझ जाए कि 100 + 100 = 200 यही हो गया कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मूर्त से अमूर्त की ओर दूसरा चीज इसमें हम मूर्त में हम सब विजुअल एड्स यूज कर सकते हैं इसके बाद मैथ्स में मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स में कुछ कुछ अप्रोच होते हैं टोटल 4 अप्रोच है कंस्ट्रक्टिव कोलैबोरेटिव रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव एंड इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच तो फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मीन्स मैथ्स में ज्यादातर समानतर यही देखा जाता है कि हम सब इसमें ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट चीजों का अध्ययन करते हैं अब जैसे कि मैथ्स प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कई बार हमको लेट
एक्स, माना कि यह एक्स है, वाई जेड इस तरह से मानकर मैथ को सॉल्व कभी कभी किया जाता है। तो इसके लिए हमारा जो माइंड है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, रचनात्मक माइंड होना चाहिए, ताकि हम इन सब चीजों को समझ सके। दूसरा है कोलैबोरेटिव अप्रोच, मतलब कोलैबोरेटिव अप्रोच मतलब एक कनेक्शन को, एक रूल्स को, एक मेथड को या फॉर्मूले को कैसे कनेक्ट करते हैं वो चीज हमें आनी चाहिए। कि कनेक्शन में मैथ में अब जैसे कि कहा जाए कि सिंपल जो बोर्ड मास का जो फॉर्मूला जो होता है सभी लोग जानते हैं, इसको हिंदी में हिंदी तरीके में कहा गया है पहले भाग में पीछे भाग तब दूना तब जोड़ घटा। तो ये कोलैबोरेटिव अप्रोच हो गया, 2 + 2 / 2 कितना होगा। तो बहुत लोग इसका जो आंसर जो है वो जल्दी जल्दी में गलत आंसर कर देते हैं, और जो लोग शांति से सोचते हैं, लोग रिलेशन को कोलैबोरेट करते हैं, संबंध सोचते हैं, तो उनका आंसर सही है। तीसरा है रिफ्लेक्टिव अप्रोच। रिफ्लेक्टिव अप्रोच मीन्स कि हम सब कभी कभी बच्चों को पढ़ाते समय उनका रिफ्लेक्शन किया जाता है कि कैसे एक चीज दूसरे चीज से संबंधित है, कनेक्टेड है। चौथा है इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच मीन्स मैथ्स के प्रॉब्लम के बारे में पूछताछ करना। तो ये कुछ 4 अप्रोच हो गए जिसके सहारे हम मैथ के पेडागोजी मेथड्स को, ऑल दिस मेथड्स एंड अप्रोच इज हेल्पिंग फॉर मैथमेटिक्स टीचिंग स्ट्रेटजी इन मैथमेटिक्स। सो आई वुड लाइक टू कॉल बागेश्वर सर टू कंक्लूड दिस टॉपिक। थैंक यू मिस्टर तपन सर, वॉट एवर ही हैज टोल्ड द टीचिंग स्ट्रेटजी इन मैथमेटिक्स very nicely. Now I would like to hear some questions related to the teaching of strategy mathematics. First question, why mathematics is important for the students? Question second, how can we teach to make it an interesting? Question third, what should be the teaching strategy? Question four, how it will affect a student's knowledge? Question five is important for teachers. Now, I would like all the reception come here in space. Thank you so much, sir. Now we all have come to the conclusion of this in-house training. So I would like to conclude with the revision of this in-house training. First of all, I would like to say thanks to our resource person, respected Balkeshwar sir, for giving us a brief knowledge about teaching a strategy in mathematics. Thank you so much, sir, for providing us so much intellectual words with a brief knowledge so all the teachers can get in their asset of quality of teaching method. After that, I would like to give a special thanks to our very lovable respected Deepak sir, who tells us about the formula and the method how to teach in mathematics. And one important point he tells us about that, experience is important. It is very important in teaching, but to get update with that experience is very much important. Experience is important, experience बहुत जरूरी है, पर उस experience में खुद को update करते रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है, and that the most important thing which I like in his speech. And after that, I would like to give a thank you to Satendra sir, most respected and experienced teacher, who tells us about the concept and their interest, the concept of mathematics. Here, children, our students should learn first of all the concept of
interesting so that everyone can get a more knowledge about this topic and everyone can get interested in this topic so that our children future or our student future can be bright by studying mathematics. As we all know that mathematics is very important part in our student life. From for now this all what I would like to stop my topic. I would like to conclude this training session and I hope ki next time whenever we meet for the training session we meet with same enthusiasm and we meet with same interest. So that's all for today. Thank you so much.